सो गाइस, यूपी त्रिपुरा से ग्राम पंचायत अधिकारी जो फॉर्म है वो आ चुका है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो वीडियो का फॉर्म है या ग्राम पंचायत अधिकारी का जो फॉर्म है वो आ चुका है। सो गाइस, चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप उसको कैसे भर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं रतन राज और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री बालाजी टेक में। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको बताते हैं कि आप इसको कैसे भर सकते हैं, इसमें क्या क्या आपको प्रोसेस करना होगा। सो गाइस, उसके लिए सबसे पहले अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट पर मिलती रहे। गाइस, जैसे हमारा गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन होता है, आपको सिंपली यहाँ पे sarkarirejalt.com को ओपन कर लेना होगा। आपको सर्च करना होगा www.sarkarirejalt.com। सो गाइस, चलिए हम सिंपली इस पे क्लिक करते हैं। गाइस, जैसे हम sarkarirejalt.com को ओपन करते हैं, देखिए आप सरकारी रिजल्ट के लिए यहाँ पे जैसे हम आप क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे लिंक आ जाएगा। हम सिंपली इस लिंक पर क्लिक करके सरकारी रिजल्ट को ओपन कर लेते हैं। गाइस, जैसे हमारा sarkarirejalt.com ओपन होता है, हमारे जैसे सरकारी रिजल्ट ओपन होता है, हमको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। गाइस, जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा लेटेस्ट जॉब, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी देखिए सब सुपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यूपी ट्रिपल एससी ग्राम पंचायत अधिकारी ऑनलाइन फॉर्म 2023। सो हमको सिंपली इस पे क्लिक कर देना होगा। गाइस, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। सो गाइस, देखिए इसे हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, देखिए आप कुछ इंपॉर्टेंट डेट दी हुई है कि ये कब से एप्लीकेशन शुरू हुआ है, कब एप्लीकेशन समाप्त हो जाएगा। जैसे 23 से शुरू हुई है, 12 तारीख को यहाँ 12 जून को इसका जो लास्ट डेट है। सो गाइस, यहाँ पे इसका जो फीस है ₹25 है और यहाँ पे देखिए इसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है। सो चलिए हम यहाँ पे टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली आपको बताते हैं कि आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, इसलिए हम सबसे पहले स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। गाइस, जैसे स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे हमको एक ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई नाउ, इसी के सामने हमको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक हियर। सो गाइस, हम सिंपली क्लिक हियर ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। फ्रेंड, जैसे हम क्लिक हियर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। सो गाइस, जैसे यहाँ पे एक नया पेज ओपन होता है, हमको सिंपली देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में एक ऑप्शन देख जाएगा अप्लाई का। सो गाइस, आपको सिंपली अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। सो गाइस, चलिए हम अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। गाइस, जैसे हम अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स हमको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा हल्का सा। गाइस, जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, सो गाइस देखिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी वगैरह दिया हुआ है, आप इसको व्यू करके यहाँ पे देख सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हम नहीं इसको देखते हैं, हम सिंपली यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देते हैं। और गाइस, यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है, तो एक बार हम आपको क्वालिफिकेशन ऐसे ही बता देते हैं। आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए और उसके बाद आपके पास CCC होना चाहिए और पेट होना चाहिए। सो गाइस, यहाँ पे इतना क्वालिफिकेशन इसमें मांगता है, तो चलिए हम यहाँ पे सिंपली सबमिट एप्लीकेशन ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। गाइस, जैसे हम सबमिट एप्लीकेशन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। सो गाइस, चलिए यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन यहाँ पे पूछेगा। सो गाइस, चलिए हम इसको एक बार यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके देख लेते हैं। सो गाइस, जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, अब देखिए आपको सिंपली यहाँ पे डिक्लेयर ऑप्शन पर क्लिक करके आई एग्री ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। सो गाइस, जैसे हम आई एग्री ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे एक नया पेज फिर से ओपन हो जाएगा। सो गाइस, जैसे यहाँ पे नया पेज ओपन हो, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप पेड दिए हुए थे उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में पूछेगा। सो गाइस, यहाँ पे आप दो प्रकार को बता सकते हैं, पहला आप थ्रो पर्सनल डिटेल से, आप थ्रो ओटीपी से। सो गाइस, जैसे आप पर्सनल डिटेल पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको जो पेड का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसको पूछेगा, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका DOB पूछेगा, उसके बाद फ्रेंड्स आपका जेंडर पूछेगा। फ्रेंड्स इसी प्रकार से बिल्कुल आप यदि थ्रो ओटीपी करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपका जो पेड का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसके पूछेगा, उसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ गेट ओटीपी पर क्लिक करके वेरीफाई कर देना होगा। सो गाइस, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे थ्रो पर्सनल डिटेल से ही करते हैं, क्योंकि काफी लोग के पास ओटीपी नहीं जाता है। सो गाइस, इसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना पेड का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ जन्म तिथि अपना लिखना होगा। फ्रेंड्स उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना होगा। फ्रेंड्स उसके बाद आपको यहाँ पे यदि आप यूपी से हैं तो आपको यस कर देना होगा। फ्रेंड्स उसके बाद आपको यहाँ पे आपको जो भी कैटेगरी होगी उसको सिलेक्ट कर लेना होगा। फ्रेंड्स इतना करने के बाद यहाँ पे जो इंटर वेरिफिकेशन कोड है, इसको यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड को डाल के यहाँ पे क्लिक किया, नीचे प्रोसीड ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली प्रोसीड कर देना होगा। सो गाइस, चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे पूरा डिटेल भर लेते हैं। सो गाइस, जैसे हम यहाँ पे अपना डिटेल को फिल करते हैं, उसके बाद सिंपली हमको यहाँ क्लिक हियर टू प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। सो गाइस, चलिए हम यहाँ क्लिक कर देते हैं। गाइस, जैसे मैं क्लिक करते हैं,
उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देखिए ऊपर से हमको कंफर्म कर देना होगा। सो गाइस उसके लिए हमको यहाँ ओके कर देना होगा। फ्रेंड जैसे हम ओके यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे एक नया पेज फिर से ओपन हो जाएगा। सो गाइस देखिए यहाँ पे अब हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। और गाइस जो मैंने अपने पेड में अपना डिटेल दिया हुआ था वो सारा डिटेल यहाँ पे हमको आ जाएगा। एक बार हमको इसको यहाँ पे देख लेना होगा, उसके बाद हमको सिंपली आगे यहाँ पे इसको इंटर कर देना होगा। तो गाइस चलिए हम स्क्रॉल करके और नीचे आते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे अपना एक बार डिटेल। उसके बाद हमको क्या करना है हम आपको आगे बताते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपसे पूछे कि आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, तो आपको सिंपली यहाँ पे एस कर देना होगा। और फिर उसके बाद आप किस यूनिवर्सिटी से, आपको यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना होगा, जैसे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आप इसी प्रकार से इंटर कर सकते हैं। आपकी ईयर पासिंग क्या है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे जिस ईयर में आप पास किए होंगे उसको आपको इंटर कर देना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ सर्टिफिकेट का जो नंबर हो गया, रोल नंबर होगा, उसको आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। फ्रेंड्स उसके बाद आपका जो इश्यू डेट है, आपको जो यहाँ पे रिजल्ट था, जो आपकी मार्कशीट थी, उसका डेट क्या हुआ, किस डेट को इश्यू हुई थी, आपको उसको यहाँ पे लिख देना होगा। और गाइस उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए परसेंटेज सिस्टम आपका ग्रेड है या क्या है आपको लिख देना होगा। जैसे ग्रेड होगा आप ग्रेड लिख सकते हैं, परसेंटेज होगा आप ऊपर परसेंटेज ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। और गाइस उसके बाद आपसे पूछेगा कि क्या आपने ट्रिपल सी किया हुआ है, तो आपको सिंपली यहाँ पे एस कर देना होगा। फ्रेंड्स इतना करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा लिख देना होगा, और कैप्चा लिखने के बाद आपको नीचे सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। चलिए फ्रेंड्स हम सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। गाइस जैसे हम सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, देखिए जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। फ्रेंड्स इतना करने के बाद आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। सो गाइस जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, अब हमको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे हमको अपलोड कर देना होगा। सो गाइस सिंपली हम यहाँ क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर पर क्लिक कर देते हैं। गाइस इतना करने के बाद जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, हमारा जो फोटो सिग्नेचर होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो मैंने पेट में दिया हुआ था। सो गाइस हमको फिर से स्क्रॉल करके नीचे चले आना होगा। गाइस जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, हमको सिंपली फिर से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। फ्रेंड जैसे हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इसके बाद फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमको कुछ अदर डिटेल भी पूछेगा। सो गाइस चलिए हम स्क्रॉल करके फिर से नीचे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो सारे डिटेल है ये ऑटोमेटिकली पहले से दे दिया गया है। सो आपके यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, आपको क्या क्या करना है हम आपको सिंपली बता देते हैं। सो गाइस जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे आपसे एज प्रूफ पूछेगा। सो गाइस आपको सिंपली इसमें जो आपका मेट्रिकुलेशन मतलब क्लास 10 की मार्कशीट मांगेगा, सो आपको ये जो मार्कशीट है कौन इश्यू किया था, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आपको सिंपली यहाँ पे लिख देना होगा। फ्रेंड्स उसके बाद आपसे पूछेगा इश्यूइंग डेट, किस डेट को ये इश्यू हुई थी, उसको आपको डेट लिख देना होगा जो आपके मार्कशीट में दिया हुआ होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपका सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा, आपको उसको यहाँ पे इंटर कर देना होगा। फ्रेंड्स इतना करने के बाद आपको अपडेट कर देना होगा। फ्रेंड्स इतना करने के बाद आपको यहाँ देखिए पूछेगा रेसिडेंस प्रूफ। सो गाइस यहाँ पे ये ऑप्शनल है, आप इसको भरिए मत भरिए, कोई यहाँ पे जरूरी नहीं है। सो गाइस उसके बाद देखिए आपसे पूछे कास्ट सर्टिफिकेट आपका कौन इश्यू किया हुआ है, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिख देना होगा। एसडीएम वगैरह जो भी आपका इसको इश्यू किए होंगे वो आपको सिंपली यहाँ पे टाइप कर देना होगा। फ्रेंड्स इतना करने के बाद आपको यहाँ पे किस डेट को इश्यू हुआ था आपको उसको लिखना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे लिख के उसी प्रकार से यहाँ पे अपडेट जो ऑप्शन दे रहा है यहाँ से इसको अपडेट कर देना होगा। फ्रेंड जैसे आप अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपसे देखिए यहाँ पे आपसे फिर पूछेगा सेव सर्टिफिकेट डिटेल, सो आपको सिंपली अपडेट डिटेल पर क्लिक कर देना होगा। गाइस जैसे आप अपडेट डिटेल पर क्लिक करेंगे, आपको जो डिटेल है यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। सो गाइस चलिए हम स्क्रॉल करके और नीचे आते हैं और देख लेते हैं हमको यहाँ पे और क्या क्या भरना है। सो गाइस जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, सबसे पहले पूछेगा कि आपने क्या आर्मी में 2 साल मिनिमम दिए हुए हैं, आपने ये दिए हुआ है तो यस करिए, नहीं नो कर दीजिए। फ्रेंड्स बिल्कुल इसी प्रकार से आपसे पूछेगा क्या आपने नेशनल कैडेट में बी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, यदि हाँ तो हाँ यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। सो गाइस इसके बाद आपसे पूछे क्या आप रूरल बैकग्राउंड से हैं, यदि हैं तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। फ्रेंड्स इतना करने वाला आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। फ्रेंड्स उतना करने के बाद आप जैसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। जितने आप डिक्लेरेशन आपसे पूछेगा आपको सिंपली यहाँ क्लिक कर देना होगा। फ्रेंड्स गाइस डिक्लेरेशन करने के बाद आपको सिंपली आप देखिए जो वेरिफिकेशन कोड है इसको एंटर कर देना होगा। फ्रेंड्स इतना करने के बाद आपको सिंपली सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। गाइस जैसे आप सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे पूछेगा ओके, सो आपको सिंपली कंफर्म करने के लिए ओके कर देना होगा। सो गाइस जैसे आप सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको फाइनल सबमिशन के लिए पूछेगा कि क्या आप फॉर्म का प्रीव्यू देखना चाहते हैं,
और यदि आपको जैसे आपके फॉर्म में कोई गलती होगी आप प्रीव्यू देख के उसको यहाँ से एडिट भी कर लेंगे। अदरवाइज आप यहाँ से प्रोसीड फॉर पेमेंट एंड फीस फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर देंगे। सो आप सिंपली यहाँ फाइनल सबमिशन हो जाएगा। सो गाइस उसके लिए हम यहाँ सिंपली ओके करते हैं। सो गाइस जैसे हम फीस पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक किए, देखिए यहाँ फीस पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। गाइस जैसे हम फीस पेमेंट करेंगे उसका जो हमारा फॉर्म है फाइनली सबमिट हो जाएगा। सो गाइस चलिए हम क्लिक हियर टू पे ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ से अपना जो फीस पेमेंट उसको कर देते हैं। सो गाइस जैसे हम आपका फीस पेमेंट क्लिक क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे फीस पेमेंट के ऑप्शन आ जाएगा। सो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना होगा। गाइस जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं और उसके बाद फिर आपको सिंपली यहाँ पे चूज कर लेना होगा कि आप किससे यहाँ फीस पेमेंट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए हम स्क्रॉल करके नीचे दिखा देते हैं। सो गाइस देखिए यहाँ पे स्टेट बैंक MOPS मल्टीपल ऑप्शन पेमेंट सिस्टम, आपको सिंपली कन्वीनियंस चार्ज यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। सो गाइस देखिए आप कई ऑप्शंस आ जाएंगे। सो गाइस चलिए हम यहाँ सिंपली बैक आते हैं और यहाँ पे अपन जो पेमेंट उसको कर देते हैं। सो गाइस जैसे वहां से बैक आते हैं, देखिए यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट हमको सिंपली इस पे क्लिक कर देना होगा। गाइस जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं हमको सिंपली ओके कर देना होगा। फ्रेंड जैसे हम ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर पेमेंट के लिए आ जाएगा। सो सिंपली हमको यहाँ से पेमेंट कर देना होगा। चलिए फ्रेंड्स हम सिंपली इसको पेमेंट करने के लिए स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। गाइस जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे स्टेट बैंक के सामने आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली प्रोसीड फॉर फीस डिपोजिशन पे आपको क्लिक कर देना होगा। फ्रेंड्स ना करने के बाद आपको ओके कर देना होगा। गाइस जैसे आप ओके करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको कई ऑप्शंस आ जाएंगे। सो गाइस सिंपली हम यहाँ पे UPI चूज कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से इसको कुछ भी चूज कर सकते हैं। सो गाइस जैसे हम UPI ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे टाइमर चलने लगेगा, आपको सिंपली 5 मिनट के अंदर पेमेंट करना होगा। सो गाइस इसके लिए आपको सिंपली स्क्रॉल करके फिर से नीचे आना होगा। गाइस जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे आपको पूछे किस मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, प्लीज सिलेक्ट VPN या QR कोड। सो गाइस हम यहाँ QR कोड ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे उसके बाद सिंपली जो हमारा QR कोड है ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। सो गाइस चलिए हम QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करके यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं। गाइस जैसे हमारा पेमेंट होता है, देखिए यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपका जो पेमेंट सक्सेसफुल दे देगा। सो आपको सिंपली यहाँ पे ओके कर देना होगा। गाइस जैसे हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा और आपको सिंपली एक ऑप्शन नीचे मिलेगा प्रोसीड फॉर फाइनेंस सबमिशन। सो गाइस हम सिंपली प्रोसीड फॉर फाइनेंस सबमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। गाइस जैसे हम प्रोसीड फॉर फाइनेंस सबमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, हम सिंपली यहाँ से अपना जो फॉर्म है उसको प्रिंट कर लेते हैं और हमारा जो फॉर्म है फाइनली यहाँ पे सबमिट हो चुका है। फाइनली हमारा जो फॉर्म है यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। सो गाइस आई होप आप सबके लिए जानकारी काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। फ्रेंड्स ये जानकारी आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फ्रेंड्स हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।